HQ Gaming Studios. Just believe on truth. So hey guys, welcome back to another new amazing video of HQ Gaming Studios. Guys, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको Haydos 3T क्रिकेट गेम्स के एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि आपको इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे या मिल सकते हैं। खैर, मैंने एक वीडियो में चेकआउट किया था, आपको उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि वो चैनल Haydos 3T के नाम से बना हुआ है या फिर वो ऑफिशियल है या किसी बंदे ने खुद ही क्रिएट किया हुआ है, आप लोग खुद ही जाकर चेकआउट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताना कि ये चैनल किसका है या ऑफिशियल चैनल है या किसी बंदे ने क्रिएट किया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये इसके अंदर वीडियो डाली गई है एक घंटा पहले, उसके अंदर बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको कैरियर मोड देखने को मिलेगा। जैसे रियल क्रिकेट 21 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि जाना 100% आपको इसके अंदर कैरियर मोड देखने को मिलेगा, और उसके बाद WCC के अंदर भी कैरियर मोड मौजूद है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मुझे बहुत पसंद आया ये फीचर। अब दूसरे फीचर की बात करें तो इसमें तमाम आपको रियल प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, जितने भी प्लेयर्स हैं आपको उन सब के रियल फेसेस और रियल जर्सीज, जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स हैं उन सब की रियल जर्सीज आपको देखने को मिलेंगी इसमें। अब तीसरे फीचर की बात करें तो वर्ल्ड कप और दीगर जितने भी इंटरनेशनल दूसरे टूर्नामेंट हैं वो सारे टूर्नामेंट्स आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, और ये गेम हाई ग्राफिक्स के साथ आने वाला है। इसके बाद कमेंट्री की बात करें तो कमेंट्री आप सबको पता है मैथ्यू एडन सर के नाम बनाई गई है गेम, तो कमेंट्री आपको 100% रियल आपको देखने को मिलेगी, मैथ्यू एडन सर की यूनिक कमेंट्री, इंग्लिश कमेंट्री, तो इनकी कमेंट्री बहुत अच्छी है। तो उसके बाद बात करें ये गेम कब तक लॉन्च हो जाएगा, इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि आप लोग कि रात को मैंने वीडियो अपलोड की थी तकरीबन 12:30 बजे कि ये गेम जो है ना आपको अभी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 12 बजे तक का मैंने एक्सपेक्ट किया कि हो सकता है 12 बजे तक गेम रात 12 बजे तक आप देखने को मिल जाए प्ले स्टोर के ऊपर, लेकिन वो नहीं मिला। तो फिर मुझे लगता है जहाँ तक दो रीज़न है इसके पीछे, या तो डेवलपर्स ने खुद ही गेम को डिले कर दिया होगा या फिर प्ले स्टोर ने वेरीफाई नहीं किया होगा, अभी तक गेम को लॉन्च नहीं किया होगा। तो यही दो रीज़न्स हैं, तो ज़्यादातर चांसेस जाना मुझे यही लगते हैं कि डेवलपर्स ने गेम को खुद ही डिले कर दिया होगा, क्योंकि प्ले स्टोर के ऊपर इतना टाइम नहीं लगता। तो एक तरफ से लगता भी ये है कि प्ले स्टोर वालों के थोड़ा सा टाइम ले रहे होंगे इसको वेरीफाई करने में। तो गाइस, आप सबको क्या लगता है इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।